वोट लेकर धोखा दिया, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, जिसके साथ ना जाने की कसम खाई थी उसी से हाथ मिलाया, इतनी बेईमानी की हमारे साथ, और अब भी सोचते हैं कि हम इस कुशासनी सरकार को वोट देंगे। ना भैया ना, हम बिहारी हैं, हमें धोखा बर्दाश्त नहीं। बाबूजी से लड़कर पटना आए थे पढ़ाई के लिए, अब फिर कहेंगे कि दिल्ली जाना है नौकरी के लिए, तो का जाने देंगे? का फायदा हुआ ऐसी पढ़ाई का बताइए? गरीब लड़की को एक तो साइकिल दे दिया, हो गया, नौकरी कौन देगा? का अचार डालेंगे ऐसी डिग्री का हम? लॉकडाउन के समय जब हम बाहर फंस गए थे तब इसी सरकार से आस लगाई थी, पर सरकार ने हम सब लोगों की तरफ से बिल्कुल मुंह फेर लिया। वो नहीं चाहते थे हम अपने घर वापस आए, आज भी नहीं भूले हैं हम वो भूखे प्यासे पैदल चलना। हम मजदूरों को अपने घर वापस बुला नहीं पाई, ये सरकार हमारे किसी काम नहीं आई। हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं साहब, लेकिन इतना समझते हैं जिस किसी ने भी 15 साल राज करने के बाद भी हालात नहीं बदले, ये खोट किसी और का नहीं, उस राज करने वाले का है। हमें तो इतना पता है साहब, ये बिहार की खोट तभी हटेगी जब हमारी बोट सही जगह पड़ेगी, वरना ये नीतीश कुमार अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को बनाते रहेंगे और खुद की नाकामियों को छुपाते रहेंगे। बिहार को आगे ले जाने की ना तो इनकी कुव्वत है और ना ही इनकी इच्छा, तो हम ही इनकी सरकार को आगे क्यों ले जाए? 2 करोड़ नौकरी दिलाने का वादा किया था हर साल, हमें लगा था कि इतने बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार हम एक छोटी सी नौकरी तो दे ही देगी। सोचा कि गांव परिवार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, दूर शहर में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, पर सब झूठ साबित हुआ। हम बिहारियों को बिहार में कोई नौकरी रोजगार मजदूरी नहीं दिला पाई, ये सरकार हमारे किसी काम नहीं आई। हम एक शिक्षक हैं, हम तो नीतीश कुमार से बस एक ही बात पूछना चाहते हैं कि लोकतंत्र में लाठी का क्या काम? नियोजित शिक्षकों पर लाठी बरसाई, स्टूडेंट पर लाठी बरसाई, और अब बिहार का मजदूर दूसरे राज्यों से पैरों में छाले लिए लुटा पिटा वापस आया तो उन मजदूरों पर लाठी बरसाई, सभी बिहारी को चोर और अपराधी साबित करने की कोशिश करी। बस बहुत खेला हो गया, अब दिल दुख गया नीतीश से। मजदूरों ने सिर्फ रोटी मांगी थी, छात्रों ने नौकरी और अध्यापकों ने समान काम का समान वेतन, पर बदले में क्या दिया हमें सरकार ने? सिर्फ लाठियां। हक की बात करने गए तो सिर्फ लाठियां बरसाई, ये सरकार हमारे काम नहीं आई। अरे क्या भैया, क्या तैयारी चल रही है? भैया क्या बताएं, श्याम की रोटी की तैयारी चल रही है। सुबह उठो, श्याम की रोटी की चिंता, श्याम हो सुबह की रोटी चिंता, बस चिंता ही चिंता। और जीवन में रहेगा क्या अब? अरे हम इसकी नहीं, चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं। इस बार भी नीति से सरकार को वोट कीजिएगा का? पिछले बार की तरह का सोचे हैं? अरे भैया एक कत्ता देख रहे हो, कत्ता जी करता है इससे अपनी उंगली काटू। नहीं नहीं भैया, ऐसा काहे कह रहे हो? और क्या, इसी उंगली से तो वोट किए थे नीति सरकार, उन्होंने हमारा वोट लेके किया क्या? हमारे साथ धोखा किया है, हमारा ही वोट लेके हमसे गद्दारी कर दी, और किया क्या? दूसरे की गोद में जाके बैठ के बेच दिया, नौकरी है नहीं, बाढ़ से बच रहे हैं नहीं, एम्बुलेंस दवाई मिल रही है नहीं, बहन बेटी सुरक्षित है नहीं, किसान खुश हैं नहीं, व्यापारी मुनाफे में है नहीं। इससे पहले गर्दन काट दे उंगलियां ही काट देता हूँ। भैया ना ही उंगली कटने ना गर्दन कटने, नए सिरे से सोचो और नए को वोट दो, नया आएगा तो नई उम्मीद के साथ। क्या नहीं हुआ हमारे बहन बेटियों के साथ इनके राज में? घर में घुसकर बेटियों से बलात्कार हुआ, उन पर तेजाब फेंके गए, नाम तो इनके मंत्रियों तक का भी लिया गया, पर क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाई, ये सरकार हमारे काम नहीं आई। भैया जरा चीनी तोल देंगे एक किलो। हाँ सुनिए ना, इस बार चुनाव का क्या विचार? फिर से नीतीश सुशील, नाम मत लीजिए उनका और उनकी सरकार का,
पिछले 15 साल में हमारे व्यापार का सत्यानाश कर दिए हैं। ऊपर से रंगदारी और लूट खसोट वाले पीछे पड़े रहते हैं इनके राज में। अरे भैया, जान के लाले हैं और सब ऊपर वाले के हवाले। इनका काम, इनका नाम, अब कुछ नहीं भाता। बस ठान लिया है, इनको हटाना है। बाढ़, बिजली, सुखाड़, इन सब विपदाओं से लड़ते हुए सोचे रहे कि सरकार कोनो मदद करेगी, और सरकार ने क्या किया? डीजलवा के रेट बढ़ा दिए, किसानों को कठपुतली बनाने वाले बिल ले आई, और मुश्किल में भी कोई मदद नहीं पहुंचाई। हम किसानों पर हमेशा विपदा ही लाई, ये सरकार हमरे कोनो काम ना आई। बिहार में बाहर है, कहां है बाहर? अपना घर में तो पतझर है, पतझर। दोनों अकेला रहते हैं, बुढ़ा बुढ़ी। परब त्योहार तो सब फीका लगता है। बच्चा लोग नौकरी के लिए दिल्ली और बंबई जाते हैं, बिहार में नौकरी कहाँ है? ये सब बदलना चाहिए। गरीब आदमी है साहब, जो मानता है सुशासन है, जाए जाकर देखे, थाना और ब्लॉक तक में छोटा सा काम बिना पैसे के नहीं होता। जेब होनी चाहिए गरम, बस यही है सरकार का धर्म। कहां से लाए गरीब पैसा? पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है और भुगत रहे हैं हम। एक ईमानदार सिस्टम नहीं दे पाई ये सरकार, हमारे काम नहीं आई। जिस पर बीते वही ना पूछे। बीमार को एम्बुलेंस कभी समय पर नहीं मिलती। अरे मरीज को कभी खटिया पर तो कभी साइकिल पर टांग वांग कर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, और अस्पताल में रूई सुई के अलावा है ही क्या? भैया बात ऐसी है, इस सरकार की नियत ही नहीं है हम लोगों के लिए कोई काम करने की, वरना 15 साल कोई कम नहीं होते, समझे? पिछले 15 सालों से वादा किए जा रहे हैं कि बिहार को ऊपर ले जाएंगे, नतीजा आपके सामने है। रोजगार और सुशासन के सरकारी आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि बिहार इन आंकड़ों में फिसड्डी साबित हुआ है, और तो और बिहार की विकास की गति को गर्त में पहुंचाई। ये सरकार हमरे कौनो काम ना आई। अरे का कहें इस सरकार को, फसलों का दाम घटाते रहते हैं और डीजल का दाम बढ़ाते रहते हैं। कहने को तो इंजीनियर हैं, पर इनके राज में बांध, पुल, सड़कें सब टूट जाते हैं और घर, आंगन, खेत सब डूब जाते हैं। अरे घर, आंगन, खेती क्या, हमारी तो लुटिया ही डुबो दी सरकार ने। ये सब लालच और भ्रष्टाचार है, ये सब बदलना चाहिए। भैया जी, देखते देखते 15 साल गुजर गए। हर बार वोट डालते समय यही सोचते थे कि हमारी उंगली पे लगने वाली नीली स्याही हमारे और हमारे बिहार का तकदीर बदल देगी, पर जिसको भी चुने वो कुछ करके नहीं दिखा पाए। अब कितना इंतजार करें भैया जी, बस अब हो गए। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को जानिए सच की आवाज़ टीवी में, सिर्फ सच आपके सामने होगा।